Hey, what's up guys? Welcome back once again. दोस्तों ये कहानी एक पिता की है जो अपनी बेटियों के साथ रिश्ते और बेहतर बनाने के लिए एक सफर पर जाता है, लेकिन वहां जाकर इन लोगों को पता नहीं चलता कि इनके साथ कुछ ऐसा भी हो जाएगा। वेल, कहानी की शुरुआत होती है कुछ शिकारियों को दिखाते हुए जो बड़ी ही चालाकी से एक शेरों के झुंड को चारों ओर से घेर लेते हैं और मौका देखते ही उन पर लगातार गोलियों से भून डालते हैं, लेकिन उसमें से एक शेर न जाने कैसे भाग जाता है। अब वो सबसे बड़ा शेर था। ये शिकारी उसे पकड़ने के लिए एक नया ट्रैप बनाते हैं, लेकिन ये भूल गए थे कि इनका सामना जंगल के राजा से है। जिसके बाद होना क्या था, अब तुमने जंगल के राजा से पंगा लिया है, उसके पूरे परिवार को मारा है, तो वो चुप थोड़ी रहेगा। अब वो एक एक करके उन सभी शिकारियों को पकड़ना शुरू करता है और उन्हें चीर कर रख देता है। लेकिन कुछ ऐसे शिकारी भी होते हैं जो समय देखकर वहां से भागना ही बेहतर समझते हैं, लेकिन उनमें से एक शिकारी वहीं बच जाता है जिसके ऊपर शेर एक खतरनाक पंजा मारता है और उसे मारने की जरूरत ही नहीं पड़ती। कुछ इस तरह से इस कहानी का इंट्रो होता है, जिससे कि आपको अंदाजा हो गया होगा कि ये कहानी की स्टोरी कहाँ जाने वाली है। सीन शिफ्ट होता है और हम डॉक्टर नाटो को देखते हैं, जिनके साथ उनकी दो बेटियां मैरिड और नोरा भी मौजूद है। अब ये लोग भी उसी सफारी पार्क को एक्सप्लोर करने के लिए जा रहे हैं, क्योंकि नाटो की वाइफ और उसकी मॉम का हमेशा से सपना था कि वो सफारी पर एक बार दोबारा जाए, लेकिन कुछ महीनों पहले ही उनकी मौत हो गई और मैरिड अपनी मॉम की मौत का जिम्मेदार अपने डैड को ही मानती है, क्योंकि वो अपनों से ज्यादा अपने काम को टाइम देते हैं। जिस दिन उसकी मॉम की तबीयत खराब हुई और उस दिन भी वो उन्हें लेट हॉस्पिटल लेकर गए, लेकिन अब नाटो ने सोच लिया है कि वो अपनी बेटियों के साथ ज्यादा टाइम स्पेंड करेगा, क्योंकि अब वो अपने बच्चों को नहीं खोना चाहता है। लेकिन इन तीनों को इस बात का जरा भी अंदाजा नहीं है कि कुछ दिनों के दौरान इनके साथ क्या होने वाला है। कुछ ही देर बाद वो लैंड करते हैं और वहाँ उन्हें मार्टिन नाम का आदमी लेने आता है, और ये वही शख्स था जिसने सालों पहले एंजेलिना को नाटो से मिलवाया था। उसके बाद ही उन दोनों की बातचीत शुरू हुई और फिर शादी हुई, लेकिन आज वो इनके बीच नहीं है। और मार्टिन की नाटो की दोनों बेटियों से काफी अच्छी बनती है, क्योंकि ये काफी कूल किस्म का बंदा होता है। इसके बाद वो उन्हें अपने घर लेकर जाता है जो कि सफारी के बीच में ही था। वहां से वो अपना पूरा इंतजाम कर रखा था। वही जब मैरिड मार्टिन के घर पर अपनी मॉम की यंग फोटो देखती है तो वो काफी खुश होती है, क्योंकि उसमें वो प्रेग्नेंट भी थी। वही दूसरी ओर नोरा पूरे घर को एक्सप्लोर करना शुरू कर देती है। इधर मैरिड की कुछ खींची हुई फोटोज मार्टिन देख लेता है और उसकी बहुत ही तारीफ भी करता है। वो ये बात नाटो को भी बताता है कि क्यों ना तुम उसे फोटोग्राफी का कोर्स कराओ, लेकिन यहाँ पर नाटो ज्यादा इंटरेस्ट नहीं दिखाता है, क्योंकि शायद उसमें ज्यादा पैसे नहीं है, और इसी चीजों की वजह से मैरिड अपने डैड को पसंद नहीं करती, क्योंकि उन्होंने कभी भी अपने बच्चों की हॉबीज में कोई इंटरेस्ट नहीं दिखाया। और इसी बात से उनके बीच में फिर से बहस हो जाती है। वहीं दूसरी ओर नोरा को घर में रखे हथियार मिल जाते हैं जो यहाँ से शिकारियों को भगाने में काम आते हैं, क्योंकि मार्टिन इस एरिया का इंचार्ज होता है और उसकी जिम्मेदारी है कि किसी भी जानवर का किसी भी तरह का शिकार ना किया जाए। इसके बाद वो सभी साथ आकर बैठ जाते हैं, पर तब तक मैरिड के मुंह से फिर से वही मॉम को लेकर बहस होना शुरू हो जाती है, जिस वजह से नोरा वहां से उठकर चली जाती है, और हर बार की तरह आज फिर सारे लोग एक दूसरे से गुस्सा हो जाते हैं। लेकिन नाटो को ये सब सही नहीं लगता, इसलिए वो बहुत ही परेशान हो चुका था। वो एक जगह चुपचाप जाकर बैठ जाता है और कुछ ही समय के बाद वहां मार्टिन भी आता है, जिसके साथ वो कुछ बातें शेयर करता है और बताता है कि इन सब में उसकी ही गलती है। मैरिड सही कहती है कि मैंने ही उस पर ध्यान नहीं दिया और उसी की वजह से आज ये दिन मुझे देखना पड़ रहा है। और ऐसे ही दोनों की बातों के साथ ड्रिंक भी चलती रहती है और कुछ इस तरह से सुबह हो जाती है। अगले दिन मार्टिन उन तीनों को लेकर सफारी के लिए निकल जाता है। यहाँ मार्टिन और नोरा दोनों ही डिजर्ट की खूबसूरती को एंजॉय करती हैं और कुछ जानवरों की फोटोज भी लेती हैं, जिसके बाद मार्टिन एक मांझा नाम के आदमी से मिलता है जो उसी के साथ काम किया करता है। वो एक इक्वलाइजर बंदूक तैयार करता है ताकि अगर कोई इमरजेंसी आ जाए तो वो सिचुएशन को कंट्रोल कर सके। अब बातों बातों में वो नोरा और मैरिड को बताता है कि सफारी में जितने भी जानवर हैं वो मार्टिन को बहुत अच्छे से जानते हैं। इसी दौरान नाटो को एक शेर की फैमिली दिखती है तो मार्टिन उसके पास जाता है और वो उसके ऊपर झपट्टा मारता है। तब मांझा उन्हें बताता है कि शेरों को मार्टिन ने ही पाला है, इसलिए वो उसके साथ खेलने लगते हैं। तभी मार्टिन देखता है कि शेरनी के पंजों में चोट लगी है। अब वो उसकी मदद करने के लिए उसके पास जाता है, लेकिन वो थोड़ा एग्रेसिव हो जाती है जिस वजह से वो पीछे हट जाता है। लेकिन उसे ये पता चल चुका था कि ये काम जरूर उन शिकारियों का है, इसलिए वो मांझा को बोलता है कि फौरन एक डॉक्टर को बुला कर लाओ। अब जिसके बाद ये लोग वहां से पास के एक गांव में चले जाते हैं जहां पर थोड़ा टूरिस्ट स्पॉट था, जहां पे कुछ लोग रहते हैं। लेकिन वहां जाकर इनके तो होश ही उड़ गए थे, क्योंकि पूरे गांव में चारों ओर बस खून ही खून था, हर तरफ बस लाशें पड़ी हुई थी और ये काम था उसी शेर का। ये देखकर नाटो फौरन जाकर अपनी दोनों बेटियों को ढूंढता है, लेकिन नोरा वहां से गायब थी। कुछ ही देर बाद जब वो उसे मिल जाती है तो वो उन्हें गाड़ी में बैठने को बोलता है।
इसके बाद वो और मार्टिन दोनों उस जगह की छानबीन करना शुरू करते हैं, जिससे उन्हें पता चलता है कि ये किसी बहुत बड़े शेर का काम है, क्योंकि वहाँ पे उसके पंजों के निशान भी मौजूद थे। ये शेर इस समय में काफ़ी ज़्यादा गुस्से में है, क्योंकि इससे पहले आज तक कभी कुछ ऐसा नहीं हुआ, क्योंकि ऐसे नॉर्मल लायन किसी पर हमला नहीं करते, इसलिए ज़रूर इसके साथ कुछ हुआ है। अब वो लोग वापस घर की ओर जाने लगते हैं, क्योंकि यहाँ रहना अब सेफ नहीं है। अब बीच में मार्टिन रेडियो पे पास की ही वाइल्ड लाइफ कंट्रोल से कांटेक्ट करने की कोशिश करता है, लेकिन कोई फ़ायदा नहीं था। और तभी उनकी नज़र सड़क के बीच में पड़े एक शख्स पर पड़ती है, जो जख्मी हालत में वहाँ मौजूद था। वो फौरन बाहर निकलते हैं और उसकी मदद के लिए, पर वो बहुत ही ज़्यादा डरा हुआ था और बार बार एक ही शब्द कह रहा था कि उन लोगों ने उसके पूरे परिवार को ख़त्म कर दिया, अब वो किसी को नहीं छोड़ेगा। अब यहाँ आप लोगों को कुछ चीज़ें समझ आ गई होंगी, असल में ये वही शेर है जिसे हमने कहानी की शुरुआत में देखा था। अब नाट उस आदमी का इलाज करने की कोशिश करता है, दूसरी तरफ मार्टिन उस शेर को ढूंढने के लिए निकल जाता है, ताकि वो उसे इक्वलाइजर से बेहोश कर सके, उसे पकड़ सके, लेकिन ये इतना आसान नहीं है, क्योंकि वो शेर गुस्से में है और बहुत ही ज़्यादा खतरनाक भी। मार्टिन ढूंढते ढूंढते उसे एक तालाब के पास पहुंच जाता है, जहां पर वो चारों ओर देखता है, लेकिन वो उसे कहीं दिखाई नहीं दे रहा था। लेकिन तभी उसके पीछे से एक आवाज़ आती है, जब वो पीछे मुड़ता है तो वो शेर उस पर छलांग मारकर हमला करता है। मार्टिन उस पर गोलियां चलाता है, लेकिन कोई फ़ायदा नहीं होता, क्योंकि वो लायन साइज में बहुत ही बड़ा था। इतने में हम दूसरी ओर देखते हैं, जिस आदमी को नाटो ठीक कर रहा था वो अपना दम तोड़ देता है, और इतने में उसे मार्टिन की चलाई हुई गोली की आवाज़ आती है। वो भागते हुए कार में जाता है, लेकिन अब उसके पीछे वो शेर पड़ चुका है। वो तेजी से आकर कार पर झपट्टा मारता है, लेकिन वो शेर कार को जोर जोर से टक्कर मारता रहता है। हम यहाँ उसका एक्चुअल साइज भी देख पाते हैं। अब दोस्तों, वो कार एक सफारी एडवेंचर के लिए बनी हुई थी, इसलिए जब तक वो उसके अंदर है वो सेफ है, लेकिन वो शेर भी बहुत चालाक था और इसीलिए वो कार की खुली हुई सनरूफ को देख लेता है, उसकी जालियों में से अपने पंजे को अंदर डाल लेता है और नोरा को पकड़ लेता है। लेकिन इतने में मैरिडी कार को चला देती है और शेर कार से नीचे गिर जाता है। अब ये लोग कार को लेकर आगे बढ़ जाते हैं, लेकिन कुछ ही देर बाद इनकी कार एक पेड़ से टकरा जाती है और अब ये तीनों खाई में फंस चुके हैं। अब इसके आगे इन्हें क्या करना है किसी को कुछ समझ नहीं आ रहा है, क्या पता वो शेर या इनके आसपास ही हो, इसलिए इन्हें अपनी कार में ही बैठे रहना। कुछ ही देर बाद इनका रेडियो मार्टिन से कनेक्ट होता है, यानी कि वो अभी भी जिंदा है। नांडो फौरन उसकी हालत के बारे में पूछता है, तो वो बताता है कि उसका एक पैर पूरी तरह से जख्मी हो चुका है और लगातार उसमें से खून बहता जा रहा है। तो नांडो उसे बेल्ट बांधने को कहता है, लेकिन ये तो उसने पहले ही कर लिया था। तो वो उसे चाकू को गर्म करके उसी जगह पर लगाने को कहता है, जिससे कि खून जम जाएगा और उसका खून रुक जाएगा। लेकिन ये जितना कहने में आसान होता है उतना ही करने में मुश्किल। लेकिन अगर मार्टिन को अपनी जान बचानी है तो उसे ये करना ही होगा, और इसीलिए वो जैसे तैसे ये चीज़ करता है और उसकी चीखें ये लोग कार में बैठे सुन लेते हैं, यानी कि वो कहीं आसपास ही है। इसलिए वो डिसाइड करता है कि वो मार्टिन को बचाने जाएगा, पर इसके लिए उन्हें कुछ हथियार चाहिए जो उन्हें कार की सीट के नीचे मिल जाता। ये थी एक इक्वलाइजर बंदूक, जिसे चलाना नोरा को आता था, क्योंकि मांजा ने उसे ये सिखा दिया था। लेकिन यहाँ पर नाटो अपनी बेटी से बंदूक ले लेता है और मार्टिन से पूछता है कि तुम कहाँ पर हो, मुझे लोकेशन बताओ। लेकिन वो उन्हें अपने पास आने को मना करता है, क्योंकि वो शेर उसके पास ही खड़ा हुआ था और पिछले 15 मिनट से उसे घूरे जा रहा था। नाटो उसे अपने पास की कोई लोकेशन बताने को कहता है, तो मार्टिन उसे एक मैन मेड शेड के बारे में बताता है, जो कि उसके पास ही बना हुआ था। अब यहाँ नाटो कार के ऊपर चढ़ जाता और स्नाइपर से चारों ओर देखने लगता, लेकिन इतने में मैरिडी कार से उतरकर भागना शुरू कर देती है और तभी वो शेर उन्हें देख लेता। जितनी देर में नाटो बंदूक चलाता, शेर उसे पंजा मारकर नीचे गिरा देता है। लेकिन यहाँ उसकी किस्मत अच्छी थी कि वो कार के नीचे छुप जाता है, जहाँ पर शेर घुस नहीं पाता है, क्योंकि उसका साइज बहुत ही बड़ा था। अब वो बहुत कोशिश करता है कि वो उसे पकड़ ले, लेकिन वो अपनी जान लगातार बचाए जा रहा था। इसी दौरान ऊपर नोरा शेर के शरीर पर एक टोंट मार देती है, जिससे कि वो वहाँ से चला जाता है, क्योंकि अब आने वाले एक घंटे तक वो बेहोश ही रहेगा। उधर मैरिडी ने मार्टिन को ढूंढ लिया था और वो उसे लेकर फौरन कार के अंदर आ जाती है, जहाँ पर नाटो उसका इलाज करता है और उसे बताता है कि अब वो खतरे से बाहर है। लेकिन यहाँ नाटो को जैसे भी करके यहाँ से निकलना होगा, वो शेर तो उनके आसपास ही घूम रहा है और उसे वो बेहोशी वाले टोंट का कोई असर भी नहीं हुआ है। उसका ऐसा रवैया देखकर नाटो मार्टिन से पूछता है कि आखिर ये इतना एग्रेसिव कैसे हो गया, तो वो उसे बताता है कि शायद हंटर ने उसके पूरे परिवार को मार डाला होगा, इसलिए अब सभी को एक एक करके मार रहा है और अपना गुस्सा उन पर निकाल रहा है। कुछ ही समय के बाद रात हो जाती है और इनके पास इतना समय नहीं है कि वो यहाँ पे ज़्यादा दिन रह सके, और अब तो खाने पीने का सामान भी ख़त्म हो चुका है, इसलिए नाटो पैदल चलने को कहता है, पर मार्टिन मना कर देता है और कहता है कि हम जब तक इस कार के अंदर हैं सेफ है, इसलिए हमें किसी की मदद का वेट करना होगा।
अब सभी वहां पर रुक जाते हैं और कुछ ही समय के बाद इनकी आंख लग जाती है। लेकिन यहाँ नाटो के सपने में एंजेलिना आती है जो कि उसकी वाइफ है, जो उसे किसी गुफा की ओर लेके जा रही थी, और इतने में वो देखता है कि उसकी दोनों बेटियां कार के बाहर खड़ी है। जैसे ही वो हेडलाइट ऑन करता है वो शेर उन्हें खींच कर ले जाता है। लेकिन रुकिए जरा, ये बस एक सपना था और ये इतना बुरा था कि इसके बाद नाटो की नींद ही उड़ जाती है। अब उसी दौरान उनका रेडियो किसी अनजान शख्स के साथ कनेक्ट होता है। नाटो फौरन उनसे मदद मांगने की कोशिश करता है और उन्हें अपनी लोकेशन बताता है। कुछ ही समय के बाद वो अनजान लोग इनके पास पहुंच जाते हैं और तब हमें पता चलता है कि एक्चुअल में ये लोग शिकारी हैं जिन्होंने उस शेर के परिवार को मारा था। लेकिन नाटो को कैसी भी करके उनसे मदद मांगनी होगी, इसलिए वो उसके पास जाता और उन्हें बताता है कि हमारा एक दोस्त घायल है, उस पर हमला हुआ है। वो शिकारी उसे मदद करने को तैयार थे लेकिन उसके बदले में उन्हें $5,000 चाहिए थे। अब नाटो पैसे देने के लिए तैयार हो जाता है, लेकिन जब वो नाटो की कार चेक करते हैं तो उन्हें वहाँ मार्टिन दिख जाता है और वो उसे पहचान लेते हैं। उसे पहचानते ही वो उस पर बंदूक तान देते हैं क्योंकि मार्टिन एक फॉरेस्ट ऑफिसर था और उसने ही इनके गैंग के 3 लोगों को मारा था, इसलिए वो उसे ले जाने से मना कर देते हैं और गुस्से में वो नाटो को मार कर भी गिरा देते हैं और फिर नोरा को गाड़ी से निकाल कर ले जाने लगते। लेकिन इतनी देर में वही शेर यहाँ पर आ जाता है और उसकी दहाड़ ही काफी थी। वो एक एक करके सभी हंटर को मारना शुरू कर देता है और इसी का फायदा उठाकर नोरा भागकर अपने डैड के पास चली जाती है, जिसके बाद वो उन 3 को कार में बंद कर देते हैं। अब उसके पास यही टाइम है यहाँ से बाहर निकलने का, लेकिन उनकी कार तो चल नहीं रही है, इसलिए उन्हें उसी हंटर की कार को ले जाना पड़ता है। लेकिन उसमें चाबियां नहीं लगी थी, इसलिए वो उसी शिकारी को ढूंढने के लिए उस बेहड़ एरिया में जाना पड़ेगा। हालांकि उसे कुछ ही देर बाद एक आदमी मरा हुआ मिल जाता है। वो उसके जेबों में चाबियां ढूंढना शुरू करता है लेकिन उसे कुछ भी नहीं मिलता, इसलिए वो और आगे जाता है और पहुंच जाता है उसी लेक के पास जहां पर मार्टिन था। वहां नाटो को शेर बैठा हुआ दिख जाता है, इसलिए वो खुद की जान बचाने के लिए पेड़ पर चढ़ जाता है और बिना आवाज करे चुपचाप वहीं बैठा रहता है। लेकिन उसकी किस्मत खराब थी, इतनी देर में उसका वॉकी टॉकी बज जाता और वो शेर उसके लेकिन इतनी देर में उसके मजे लेने के लिए वहां पर आ जाता है एक सांप। उसे डसने वाला था पर नाटो उसे पकड़कर नीचे फेंक देता है और वो शेर के ऊपर जाकर गिर जाता है, जिससे कि वो दहाड़ने लगता है और ये आवाज सुनकर उनकी दोनों बेटियों को लगता है कि उनके पिता अब नहीं रहे। दूसरी ओर वो शेर अब जा चुका था, इसलिए नाटो नीचे आ जाता है और कुछ ही दूरी के बाद उसे एक हंटर की लाश मिलती है जिसके पास उसे कार की चाबियां भी मिल जाती है। ये बात वो उन 3 को बता भी देता है, जिससे कि मार्टिन थोड़ा रिलैक्स हो जाता है और जाते जाते वो उसकी बंदूक भी ले लेता है। लेकिन जब तक नाटो उसके पास पहुंचता वहां वो शेर उसकी बेटी पर और मार्टिन पर हमला कर देता है और इसमें मैरिडी बुरी तरह से जख्मी हो जाती है। यहाँ वो पूरे जोश में था और ये बात दोनों को पता थी, वो अब बच नहीं सकती है। लेकिन मार्टिन ऐसा होने नहीं दे सकता, इसलिए वो उन दोनों को कार से बाहर कर देता है और खुद कार के साथ खाई में गिर जाता है, जिसके साथ साथ वो शेर भी गिर जाता है। अब नीचे जाते ही वो शेर से बोलता है कि सॉरी बॉय, और फिर उस कार में आग लगा देता है जिसमें वो शेर भी जल जाता है। कहीं ना कहीं मार्टिन को पता चल चुका था कि वो ज्यादा दिनों तक जिंदा नहीं रहेगा, इसलिए उसने ऐसा किया। जब नाटो उस जीप के पास पहुंचता है तो वो बुरी तरह से जल रही थी। वो समझ जाता है कि मार्टिन अब नहीं रहा और ये देखकर वो रोने लगता है, क्योंकि एक वही था जो उसका सच्चा दोस्त था, उसकी बातें समझता था, लेकिन वो उसे आखिरी गुड बाय भी नहीं बोल पाया। अब इसके बाद वो अपनी दोनों बेटियों को लेकर वहां से निकल जाता है और कुछ ही समय के बाद सुबह हो जाती। ये 3 एक सेफ जगह पर पहुंच जाते हैं जहां पर इन्हें कुछ शराब की बोतल मिल जाती है, जिसे नाटो तुरंत मैरिडी का इलाज करता है। लेकिन इन्हें ये नहीं पता कि जिस जगह पर ये खड़े हुए हैं वो असल में उन्हीं शिकारियों का अड्डा है और वो शेर इसी जगह के आसपास ही घूम रहा है। जी हाँ दोस्तों, वो शेर अभी भी जिंदा है, वो जला नहीं है, इसलिए वो इनकी आहट सुनते ही वहां आ जाता है। लेकिन नाटो अपनी दोनों बेटियों को उसी जगह पर बंद करके उस शेर पर गोलियां चलाने लगता है, जिससे कि वो डाइवर्ट हो जाएगा और फिर उस शेर को लेकर वहां से खुले रेगिस्तान में भागने लगता है, जहां पर वो आगे आगे भाग रहा था और शेर उसके पीछे पीछे था। लेकिन कोई इंसान शेर से तेज नहीं भाग सकता, इसलिए वो पकड़ा जाता है और अब बारी थी शेर की। वो जैसे मन चाहे उसे मार कर खा सकता था। वो बहुत कोशिश करता है कि शेर को मार दे, उसके पास एक चाकू भी था जो उसके शरीर में घुसा देता, लेकिन इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अब वो शेर और ज्यादा गुस्से में आ चुका था और वो उसे मारने वाला होता, लेकिन इतने में वहां आ जाती है उसी शेर की फैमिली, जिसको मार्टिन ने पाल कर बड़ा किया था। अब उन्हें इसी तरह से पाला गया था कि वो किसी भी इंसान पर हमला नहीं करते और इसीलिए वो उस दूसरे वाले शेर से भिड़ जाते हैं। अब यहाँ पर वो शेर अकेला पड़ चुका था क्योंकि उसके सामने अब मुकाबले वाला शेर खड़ा था और इसी का फायदा उठाकर नाटो वहां से दूर भाग जाता है। तभी वहां पर रेंजर्स भी आ जाते हैं। वहीं एक बार फिर से नाटो को एंजेलिना के सपने आना शुरू हो जाते हैं और इतनी देर में वहां पर मांझा भी आ जाता है, जो नाटो को लेकर घर आ जाता है।
जहां से सीन शिफ्ट होकर पहुंचता है हॉस्पिटल में, जहां पर हम नाटो को जख्मी हालत में देखते हैं, लेकिन अब वो पहले से बेहतर है। और अब यहां मैरिडी ने मान लिया है कि उसके डैड ही सबसे बेस्ट है, क्योंकि उन्होंने अपनी जान की बाजी लगाकर अपनी बेटियों को बचाया था। अगर वो नहीं होते तो शायद आज वो जिंदा नहीं होते। इसीलिए कहते हैं कि दुनिया में आपको सिर्फ दो ही लोगों पर भरोसा करना चाहिए, सबसे पहले तो आपके मॉम डैड और दूसरा आपको अपने ऊपर खुद। कहानी के आखिर में तीनों लोग एंजेलिना की फेवरेट स्पॉट पर जाते हैं और वहाँ फोटो खिंचवाते हैं, कि स्पेशल फैमिली फ़ोटो, जिसके साथ ये कहानी ये ख़त्म हो जाती है। तो दोस्तों, क्या आप भी कभी एडवेंचर के लिए ऐसी जगह जाना पसंद करेंगे? हमें कमेंट करके ज़रूर बताएगा। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में।